दुई एकम दुई, दुई दुनी चार, दुई दिया छः, दुई चौकी आठ। मधुमती कहाँ है मधुमक्खी? तुम हमारी जिंदगी के छत्ते में छिपकी हुई मधुमक्खी हो जो कभी छूटेगी नहीं। हक्का बोले ये क्या कर रही थी? हमको आपके सुर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। नहीं भाभी जी परफेक्ट है, ऑलराइट, मेरा कोई सुर बदला हुआ नहीं है। तो क्या है ना, हम तुम्हारे सुर से अपना सुर मिलाना चाह रहे हैं क्योंकि तो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने इश्क वाला। आका बोले और बताइए भाभी जी कैसी हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? हम तो ठीक बा, लेकिन आपका तबीयत हमको कछु ठीक ना ही लग रहा है, कछु तो गड़बड़ है। एक्चुअली क्या भाभी जी, थोड़ी तबीयत नासाज है, जब तक वो मधुमती आई मीन वो मधुमक्खी का शहद नहीं पी लूंगा ना तब ठीक नहीं होगी, बिकॉज़ ब्रोंकल प्रॉब्लम है, नो उधर खांसी आती है। हाय दिया, ये तो बहुत ही बड़ा समस्या है। हाँ तो हम आपको बताते हैं, काहे झाकर कटी जाइए, वहाँ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है और उसके ऊपर ना मधुमक्खी के छत्ते हैं चार पांच बड़े बड़े, उनमें जाके मुंह मार लीजिए, आपका ही जो समस्या है ना कप का वो एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ हम अंदर जाकर अपना उपाय करते हैं। सुनो, हमारी मास्टरनी बनोगी? आई दिया, हम तो अच्छे पेंडेंट भी नहीं हैं। अभी जो स्टूडेंट कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। हम अच्छे शिष्य नहीं हैं और मास्टरनी का घुइया बनेंगे। वैसे ये सवाल आप काहे कर रहे भरभूति जी? ये भरभूति नहीं पूछ रहा है, मास्टर जी पूछ रहे हैं। मास्टर भूप सिंह? दुनिया में एक वही मास्टर नहीं है और ये बहुत सारे मास्टर हैं। ओके भाभी जी, कैसे लेट चलता हूँ मैं। हाय दिया, मास्टर जी का इतना हिम्मत।